बिक गई सारी ये नौकरी, कैसा हाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। और बताना चाहेंगे लोग इसमें तेजस्वी को देना भी चाहिए, उनका पर यही पूरा फ्यूचर है। अगर अभी वो हम लोग के लिए सुनते हैं तो आगे हम उन लोग के लिए सुनेंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद है हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर। सीटेट के अभ्यर्थी लगातार आज 16 दिन से अपने विज्ञप्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है, आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो लोग क्या सोच रहे हैं, कि इस बार ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कि इस बार पार हो जाएंगे, आगे क्या क्या कुछ प्लानिंग है। देखिए, नई सरकार बनने जा रही है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सहानुभूति दे करके गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हम लोग के दे दिया जाएगा। ये पलटू राम और हमारे जो जिलेबी चाचा थे। अच्छा, आप गाना गा रहे थे, कोई गाना सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। जैसे बेरोजगारी को लेकर के बहुत सारी नौकरियाँ चली गई है और हम लोग को विज्ञप्ति में भी बहुत बड़ी समस्या बन रही है, समय हो रहा है, तो कहने का मतलब है गाने के माध्यम से भी बता रहे हैं इसको। बिक गई सारी नौकरी, कैसा हाल हो गया, बिक गई सारी ये नौकरी, कैसा हाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। और बताना चाहेंगे लोग इसमें टीचर बनने के लिए पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों पर चश्मे भी लग गए हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। चश्मा आंखों पे लग गया, कैसा हाल हो गया, चश्मा आंखों पे लग गया, कैसा हाल हो गया, विज्ञप्ति अब तक ना निकला, कई साल हो गया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये थे सीटेट के अभ्यर्थी, लगातार अपने मांगों को लेकर कई नियम अपना रहे हैं, लेकिन ये सरकार है सुनने को नाम नहीं ले रही है। मैम, क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम प्रीति कुमारी हुआ, मैं बलमी चक से आई हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार नया सरकार बना है अब और शिक्षा मंत्री भी नया बनने वाले हैं, वो आप लोगों के समर्थन में भी यहाँ पे आए थे, तो क्या लग रहा है? लग तो रहा है कि अब दे देंगे नोटिफिकेशन, जल्द से जल्द दे देंगे, देना भी चाहिए, अब इतना दिन हो गया, 16 साल का जो संघर्ष है अब निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, अब आ भी जाएगा नोटिफिकेशन, उम्मीद यही है सरकार से। सबको यही विश्वास है कि इस बार नोटिफिकेशन जो है वो आ ही जाएगा, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? आ जाएगा, तेजस्वी को देना भी चाहिए, उनका पर यही पूरा फ्यूचर है। अगर अभी वो हम लोग के लिए सुनते हैं तो आगे हम उन लोग के लिए सुनेंगे और अब की इससे अच्छा बहुमत दे जाकर दिखाएंगे। हम लोग युवा में ये दम है, जो बोले हैं वो अपने बात पे खड़े उतरे, हम लोग भी अपने बात पे खड़े उतरेंगे और हम लोग हिला देंगे दम। तो ये बहुमत हिलाने का बात कर रहे हैं, बताइए आप अभी आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे कि इस बार स्कूल में जाके बैठेंगे? जी मैम, शिक्षा मंत्री जो भी बने हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बधाई उनको, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि अब नई शिक्षा मंत्री बने हैं तो नया दिशा दशा के साथ वो कार्य करेंगे। और जो तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनी है, जैसा कि वो वादा किए थे कि मैं जब भी सीएम या डिप्टी सीएम कुछ बनूंगा, जैसे मेरा मंत्रिमंडल बनेगा तो सबसे पहले 10 लाख रोजगार के ऊपर साइन होगा, ऐसा वो बोले एक दिन। नीतीश कुमार जी भी 20 लाख रोजगार का और नौकरी का बात किए हैं। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि नई मतलब क्या बोलते हैं गठबंधन हुई है, तो हो सकता है किसी कारणवश वहां पर न दे पा रहे होंगे, यहां पर वो 100% देने की कोशिश करेंगे। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास आदरणीय मुख्यमंत्री से भी करता हूं और जो नए शिक्षा मंत्री जो बताएं मैम उनसे भी पूरा विश्वास करता हूं, क्योंकि मैम हम लोग बहुत दिन से लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। ये थे सीटेट के अभ्यर्थी जो लगातार अपने मांगों को लेकर आज 16 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस नई सरकार में अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार हम लोग पार हो जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस बार पार होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ही बता सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।